हाय एवरीवन, वेलकम टू करंट क्रंच। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इसमें हम कंटिन्यू करेंगे हमारा पेपर बी सोशियोलॉजी ऑप्शनल का। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, पहले मैं उनके लिए बता दूं, इस पे मैं कोर्सेज लेके आ रही हूँ आपके यूपीएससी सोशियोलॉजी ऑप्शनल के, जिसमें पेपर ए हमारा कवर हो गया है। एंड ये हमने कवर किया है नितिन सांगवान एसेंशियल सोशियोलॉजी से, जिसकी प्लेलिस्ट आपको मेरी चैनल पर दिख जाएगी। करंटली हम पेपर टू कर रहे हैं, पेपर बी, जिसका ऑलमोस्ट हमारा 85 टू 90% फिनिश हो गया है। लास्ट के कुछ चैप्टर्स ही हमारे इसमें रहते हैं, ठीक है। एंड आने वाले टाइम में मैं इसमें इग्नो रिलेटेड मटेरियल जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट होगा, प्लस विजन आई एस की कुछ चेक्ड आंसर कॉपीज, ठीक है, एंड क्वेश्चन आंसर्स, वो सारी चीजें हम आने वाले टाइम में इस चैनल पर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप ये सारी चीजें मिस नहीं करना चाहते हैं, आपको क्या करना होगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना होगा इस चैनल को, ठीक है। एंड जो ये पीडीएफ मैं आपको पढ़ा रही हूँ पेपर बी का, ये हमने कवर किया है नितिन सांगवान सर की लेटेस्ट एडिशन से। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, उसके लिए आपको क्या करना होगा, मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो, चैलेंजेस ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया। हमें पता है एक तो रूरल एरिया है गांव, एक अर्बन एरिया शहर, ठीक है। एंड ये शहर जितने ज्यादा बढ़ रहे हैं, उतनी ज्यादा प्रॉब्लम लोगों को फेस करनी पड़ती है। वो क्या प्रॉब्लम्स है, क्या चैलेंजेस है, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। जो अर्बन एरियाज है उनको बोला गया है सेंटर्स ऑफ कल्चरल इनोवेशन। कल्चरल इनोवेशन क्यों? क्योंकि अर्बन एरियाज में क्या होता है, लोग जो होते हैं अलग बैकग्राउंड के साथ में रह रहे हैं, ठीक है, काफी माइग्रेंट्स हैं, अलग अलग जगहों से आए हैं, फिर चाहे वो काम की वजह से हो, चाहे पढ़ाई की वजह से हो, चाहे कोई अपनी ट्रीटमेंट कराने आ रहा है, फिर कुछ सालों के लिए, कुछ मंथ्स के लिए एक अर्बन एरिया में आके रहता है। इस वजह से कंपोजिट कल्चर डेवलप होता है अर्बन एरियाज में, इसीलिए इसको बोला जाता है सेंटर ऑफ कल्चरल इनोवेशन। ये एक पॉजिटिव हुआ। लेकिन अर्बन एरियाज जो है उनके अपने सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, सोसाइटल एस्पेक्ट भी है उनकी प्रॉब्लम का, इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी है, ठीक है। दीज प्रॉब्लम्स आर पार्टली अ रिजल्ट ऑफ अनऑर्गेनाइज ग्रोथ। अब देखो ये प्रॉब्लम्स किस वजह से हैं, सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है अर्बन एरियाज में, क्योंकि जो अर्बन एरियाज है उनकी ग्रोथ अनऑर्गेनाइज्ड है। दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि अगर सिटीज स्प्रेड हो रही हैं तो अकॉर्डिंगली लोगों का लाइफ स्टाइल भी अच्छा हो रहा है, ठीक है, या लोगों को जॉब्स भी मिल रही हैं, इकोनॉमिक एडवांसमेंट भी हो रही है, कल्चरल एडवांसमेंट भी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। जो ग्रोथ है एक ऑर्गेनाइज वे में नहीं चल रही, अनऑर्गेनाइज वे में चल रही है। एंड पार्टली एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन फैक्टर, जो मेजरली आपके एनवायरमेंट से रिलेटेड है, जो हमें आगे देखना होगा, ठीक है। एंड पॉलिटिकल विल भी कुछ खास नहीं होता है ताकि इन एरियाज को इम्प्रूव किया जाए, ठीक है। एंड अनप्रोफेशनल नेचर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज जो है, दे ऑल्सो लीड टू द प्रॉब्लम ऑफ अर्बन सेंटर्स ऑफ इंडिया। दैट मीन्स गवर्नेंस की प्रॉब्लम भी है, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल भी है कि इन एरियाज को इम्प्रूव करने के लिए। ओवर अर्बनाइजेशन जो है, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो फेस करनी पड़ती है लोगों को। ओवर अर्बनाइजेशन का मतलब क्या हुआ, सिटीज तो हमारी एक्सटेंड हो रही हैं, हमारी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है, लेकिन जो सिटीज हैं वो इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन को एक डिसेंट वे ऑफ लाइफ, एक डिसेंट स्टैंडर्ड जो बोला जाता है, जो एक लिविंग स्टैंडर्ड होता है जो सिटीज में होना चाहिए, वो उनको नहीं मिल रहा है, ठीक है। सिटी आपकी इतनी है, पॉपुलेशन आपकी इतनी ज्यादा है, तो ये सिटी जो है सस्टेन नहीं कर पा रही है एक डिसेंट वे में इस इतनी बड़ी पॉपुलेशन को। ये हमारा होता है ओवर अर्बनाइजेशन, एंड ये रिलेटेड है आपके चैलेंजेस ऑफ अर्बनाइजेशन से ही। इट ऑल्सो मीन्स दैट द अर्बन पॉपुलेशन हैज़ ग्रोन टू सच अ लार्ज साइज की जो सिटीज हैं दे फेल टू एंश्योर अ डिसेंट वे ऑफ लाइफ टू द अर्बन ड्वेलर्स, ठीक है। क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, वो पुट करते हैं प्रेशर ऑन द सिविक इम्यूनिटीज, हाउसिंग एक्सेट्रा। सिविक इम्यूनिटीज जैसे आपका डिस्पोजेबल वेस्ट डिस्पोजेबल मैनेजमेंट सिस्टम, वो अच्छा नहीं है। सिटीज इतनी हैं तो ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है, ये सारी प्रॉब्लम। एंड हाउसिंग, सबके पास घर नहीं है, जिस वजह से स्लम्स वगैरह आ जाते हैं, वो अगेन एक चैलेंज इम्पोज करता है अर्बनाइजेशन पे। जो ओल्ड एरियाज हैं लार्ज सिटीज के, वो भी एक प्रॉपर प्लानिंग में नहीं बने थे, एक हैफेजर्ड वे में उनको बनाया गया है, जिसकी वजह से प्रॉपर अर्बन प्लानिंग उन एरियाज की नहीं हो पाती है। पोअर अर्बन प्लानिंग है अनऑर्गेनाइज अर्बन एरियाज, उसकी वजह से क्या इश्यूज आ जाते हैं, कंजेशन, पोअर अर्बन ग्रीन कवर, पोल्यूशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इश्यूज एक्सेट्रा, ठीक है। तो जो ये सारे एरियाज हैं उनमें ये प्रॉब्लम मिलेगी, क्योंकि हैफेजर्ड वे में मकान वहाँ बने हुए हैं ओल्ड एरियाज में, तो कंजेशन है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, ग्रीन कवर को बनाने के लिए कुछ नहीं किया गया है, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो है वहाँ का वो अच्छा नहीं होगा, इस वजह से वो एरियाज जो हैं वो अच्छे नहीं रहते हैं, वो उनमें लोगों को फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है, वहाँ पे प्रॉब्लम्स, वहाँ सैनिटेशन की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होती है, तो अकॉर्डिंगली वहां पे एपिडेमिक्स वगैरह फैलने का भी ज्यादा चांस होता है। ट्रेडिशनल इश्यूज लाइक स्लम्स, क्राइम्स, ओवर क्राउडिंग, हाउसिंग इश्यूज, सैनिटेशन, क्वालिटी ऑफ लिविंग, इनइक्वालिटी एंड अदर सोशल प्रॉब्लम्स कंटिन्यू टू प्लाग द अर्बन एरियाज, ठीक है।
तो स्लम्स ज्यादा राइज होना, स्लम्स में कैसी कंडीशन होती है, कैसे हालात में वहां लोग रह रहे होते हैं, ठीक है। तो वहां पे भी अगेन हाउसिंग की प्रॉब्लम है, सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, एपिडेमिक्स बहुत ज्यादा है, क्राइम्स वहां बढ़ जाते हैं, ओवर क्राउडिंग है। तो ये सारे सोशल प्रॉब्लम्स जो है अर्बनाइजेशन के साथ रिलेटेड है, एंड अकॉर्डिंगली जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ती है ये प्रॉब्लम भी बढ़ रहे हैं। एज पर एस्टिमेट अराउंड 25% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन जो है इंडिया की वो कहाँ रहती है, स्लम्स में। सिटीज जो है वो इल डिजाइंड है फॉर चिल्ड्रन, ओल्ड एंड डिसेबल्ड, ठीक है। जैसे ओल्ड है वो कहीं पे स्टेयर्स नहीं चढ़ पाते हैं, तो क्या उनके लिए अरेंजमेंट है, अगर वो स्टेयर्स नहीं चढ़ पाएंगे उनके लिए क्या ऑल्टरनेटिव है, अकॉर्डिंगली क्या ऑल्टरनेटिव डिसेबल्ड के लिए है एंड चिल्ड्रन के लिए है। ये सारी चीजें जो इनका केयर, इनका टेक केयर करना पड़ता है जब भी सिटी बिल्ड हो रही होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट द आइडिया ऑफ ओवर अर्बनाइजेशन हैज बीन एडवांस्ड ऑन द ग्राउंड दैट देर इज एन इम्बेलेंस बिटवीन द लेवल्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन इन इंडिया, और जो प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन है टेक्स अवे लायंस शेयर ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ओवर अर्बनाइजेशन में क्या हुआ, एक इम्बेलेंस है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन इंडिया में, ठीक है। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रही है अर्बनाइजेशन भी बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, साथ में इंडस्ट्रीज बढ़ गई, इंडस्ट्रीज से बढ़ने से क्या प्रॉब्लम हो गई, लोगों ने माइग्रेट किया आके इंडस्ट्रीज में जॉब करने के लिए, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे स्लम्स बढ़ गए। अब क्या हो रहा है, ऑल्दो अर्बन एरियाज जो है वो अर्बन जो लैंड है सिटीज हैं वो बढ़ रही हैं, लेकिन वहां पे साथ साथ में क्या बढ़ रहा है, आपके स्लम्स बढ़ रहे हैं, जो हमने यहाँ पे प्रॉब्लम्स पढ़ी वो सारी इसके साथ एसोसिएटेड हैं, ठीक है। तो एक इम्बैलेंस है, ऐसा नहीं है जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ रहा होगा, नहीं, एक अर्बनाइजेशन बढ़ रही है जिसमें क्या हो रहा है, एक अनऑर्गेनाइज वे में आपकी अर्बनाइजेशन बढ़ रही है। एक प्रॉपरली अर्बनाइजेशन क्वालिटी ऑफ लाइफ, हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमी, वो सारी चीजें साथ साथ में साइमल्टेनियसली इंप्रूव नहीं हो रही है। एंड इस अर्बनाइजेशन में जैसे एक रूरल एरिया जब अर्बन एरिया में कन्वर्ट होता है तो उसमें काफी ज्यादा रिसोर्सेज लग जाते हैं, लैंड, वाटर, ठीक है, फाइनेंसेस काफी ज्यादा। एंड जिस लैंड को आप एक बिजनेस यूनिट वहां बना सकते थे उस लैंड को आपको हाउसिंग के लिए देना पड़ता है, ठीक है। तो इकोनॉमिकली जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी उतनी ज्यादा नहीं होती है। तो ये प्रॉब्लम्स है जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ओवर अर्बनाइजेशन के साथ रिलेटेड है, ठीक है। द अवेलेबिलिटी ऑफ सिविक एमिनिटीज एंड फैसिलिटीज इज सो पुअर दैट मेनी ऑफ सच ओवर अर्बनाइज एरियाज हैव नाउ रीच्ड अ ब्रेक पॉइंट एंड हैव ऑलमोस्ट बिकम इनकेपेबल ऑफ बियरिंग फर्दर ग्रोथ ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, ठीक है। अब देखो फैसिलिटीज इतनी लोगों को नहीं मिल रही है और साथ में पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, रिसोर्सेज उतने ज्यादा नहीं बढ़ रहे हैं, इस वजह से क्या हो रहा है, काफी ज्यादा प्रॉब्लम हमें सोसाइटी में फेस करनी पड़ती है, ठीक है। इंडिया में मिक्स ऑफ अंडर अर्बनाइजेशन एंड ओवर अर्बनाइजेशन, तो ग्लोबली अभी भी अंडर अर्बनाइज है, उतने ज्यादा अर्बनाइजेशन नहीं हुई है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ सिटीज इट इज ऑलरेडी ओवर अर्बनाइज, ठीक है। एंड सिटीज के मैनेजमेंट में ऑलरेडी ओवर अर्बनाइज हो गई है, दैट मीन्स सिटीज जो है वो सस्टेन नहीं कर पा रही है इतनी बड़ी पॉपुलेशन को, वहां पे ओवर अर्बनाइजेशन हो रही है। लेकिन अगर ग्लोबली हम अभी भी कंपेयर करें तो इंडिया में उतनी ज्यादा अर्बनाइजेशन नहीं है जितनी वर्ल्ड वाइड देखने को मिलती है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस 65.5 मिलियन इंडियन जो है वो कहाँ पे रहते हैं, अभी भी अर्बन स्लम्स में। तो जो अर्बन स्लम्स में रहेंगे वो किस कैटेगरी में आएंगे, कि वो अर्बन एरियाज में रह रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनकी अर्बन एरिया में रहने के बावजूद उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं आई है। तो यहाँ पे कुछ ये डेटा है, ये आप यहाँ से देख लेना। हिडन अर्बनाइजेशन भी एक प्रॉब्लम है जो इंडिया में ये फेस होता है। इन इंडिया देयर इज डिफरेंस इन द एक्चुअल फिगर एंड द रिपोर्टेड फिगर्स ऑफ अर्बनाइजेशन ड्यू टू द फैक्ट दैट मेनी पीपल लिव इन अर्बन लाइक एरियाज जो एक्चुअली क्लासिफाई एडमिनिस्ट्रेटिवली वो अर्बन एरिया क्लासिफाई नहीं होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिवली जैसे भी अर्बन एरिया का ध्यान रखा जाना चाहिए वैसे उन एरियाज का नहीं रखा जाएगा, ठीक है, लेकिन वो अर्बन लाइक एरिया होता है, किसी अर्बन एरिया का एडजेसेंट एक थोड़ा और एरिया डेवलप हो गया अर्बन लाइक ही है, लेकिन वो एक्चुअली अर्बन एरिया नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिवली। जैसे अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन अर्बन एरियाज का ध्यान रखेगी वैसे उन एरियाज का नहीं रखा जाएगा, वैसे डेवलपमेंट उन एरियाज में नहीं होगी, लेकिन उन एरियाज में क्या है, एक अर्बन लाइक कंडीशन डेवलप हो गई है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, हिडन अर्बनाइजेशन, ठीक। अब और क्या प्रॉब्लम होती है अर्बन एरियाज में, अभी हम सिर्फ ओवर अर्बनाइजेशन हमने देखा, अंडर अर्बनाइजेशन देखा और यहाँ पे हिडन अर्बनाइजेशन देखा। अब देखो हम देखते हैं ह्यूमन मेड फैक्टर्स भी हमने कहे थे, तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स कुछ है, पोल्यूशन, आउट ऑफ 10 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड 6 सिटीज उसमें से कहाँ पे, इंडिया में दिल्ली जो है वॉज द मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड एज पर सम एस्टिमेट्स। एयर पोल्यूशन जो है वो किल्स 1.25 मिलियन पीपल इन इंडिया एवरी ईयर, ठीक है। तो ये कुछ डेटा है यहाँ का। एंड जैसे जैसे लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ता है
तो वैसे ही वो उतनी ज्यादा कन्वेंशनल व्हीकल्स जो है खरीदते हैं जिनका स्मोक पोल्यूशन अभी भी काफी ज्यादा है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है उनपे अभी हमने वैसे जंप नहीं किया जैसे बाकी कंट्रीज कर रही हैं। तो लोगों के पास पैसा आ रहा है, वो वही कन्वेंशनल पुरानी व्हीकल्स खरीद रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, पॉल्यूशन जो है वो इंक्रीज ही हो रही है। अगर हम कंपेरेटिवली देखें इन कंट्रीज लाइक नॉर्वे, जहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है, उनने ऑलरेडी जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ स्विच किया है, लेकिन इंडिया में वैसा अभी तक यहाँ पे कुछ देखने को नहीं मिला है, ठीक। सिमिलरली ऑन द फ्रंट ऑफ कन्वीनियंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑल्सो इंडिया हैज मच टू अचीव। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी रिस्पॉन्सिबल है पोल्यूशन के लिए, और जो एयर पोल्यूशन है इट इज पर्टिकुलरली बैड फॉर द पुअर एज दे बिकम मोर वल्नरेबल एंड कैन नॉट एफोर्ड मीन्स टू मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ बैड एयर, ठीक है। तो उसके साथ जो उनके फिर हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, उनका जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो उनपे खर्चा हो जाता है फिर हेल्थ पे, तो सारी चीज़ों से क्या होता है, पुअर जो होते हैं वो ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाते हैं। इन 2015 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स एंड 2019 में लॉन्च नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम रिड्यूस करने के लिए एयर पॉल्यूशन को, ठीक है। सिटीज लाइक दिल्ली ऑल्सो एक्सपेरिमेंटेड विद आइडियाज लाइक अलोइंग ओनली ऑड इवन नंबर व्हीकल्स इन ऑल्टरनेट डेज, ठीक है। तो ऑड इवन व्हीकल पॉलिसी एक बार आई थी दिल्ली में, ऑड नंबर की व्हीकल जो है एक दिन चलेंगे एंड इवन नंबर की एक दिन, तो ये ऑल्टरनेट डेज में अलग अलग कार्स चलेंगी, तो इस वजह से क्या होगा, पोल्यूशन थोड़ा रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। अर्बन फ्लड्स ये एक प्रॉब्लम हो गई। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, ओवर अर्बनाइजेशन देखा, अंडर अर्बनाइजेशन देखा, हिडन अर्बनाइजेशन देखा, ठीक है। फिर हमने देखा स्लम्स वगैरह के साथ जो एरियाज डेवलप होते हैं उनमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर हमने एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो देखा, अब हम अर्बन फ्लड देखेंगे। अब देखो, अब यूजुअली क्या होता है फ्लड्स में, जो फ्लड चैनल्स होती हैं उसमें जो भी वाटर आएगा वो, जैसे यहाँ पे ये रिवर है, ठीक है, इसके इर्द गिर्द जो फ्लड चैनल्स होती हैं, तो जो भी अगर वाटर फ्लो करेगा बाहर, ये लैंड क्या करता है, सीप इन कर लेता है वाटर को, ठीक है। अगर एक्सेसिव रेन भी आएगी यहाँ पे रिवर से, वाटर यहाँ पे सरफेस रन ऑफ की तरफ फ्लो करेगा, तो वाटर कहाँ पे जाएगा, सीप इन करेगा नीचे। अब जितना जितना कंक्रीटाइजेशन हो रही है, दैट मीन्स कंक्रीट मकान बन रहे हैं, लैंड को हम कंक्रीट कर रहे हैं, तो लैंड की जो क्वालिटी थी वाटर को सीप इन करने की, वाटर को अपने अंदर लेने की, सिंक करने करवाने की वाटर को, वो क्वालिटी उसकी खत्म हो रही है। तो इस वजह से क्या होता है, वो सारा वाटर कंक्रीट लैंड से कहाँ पे चला जाता है, रिवर्स में चला जाता है, एंड वहां से क्या होता है, अर्बन फ्लड एंड फ्लड लाइक कंडीशन जो होती है वो अराइज हो जाती है, ठीक है। ये हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है। तो जो अर्बन फ्लड है वो एक नई प्रॉब्लम यहाँ पे इमर्ज हो रही है, साथ में क्या हो जाता है, पुअर स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम है इंडिया में। अगर देखोगे आप, हल्की सी बारिश कहीं पे हो जाए तो सारी सड़कें जो है वो चोक हो जाती हैं, क्योंकि वहां पर ड्रेनेज सिस्टम हमारा अच्छा नहीं है। चोकिंग और सीवेज सिस्टम बाय सॉलिड वेस्ट ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ठीक है, ये भी हमारे कुछ सही से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो है वो नहीं लगे हुए हैं कहीं पे। डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल वाटर बॉडीज, ब्लॉकेज ऑफ नेचुरल कैचमेंट एरिया, डिस्टॉर्शन ऑफ नेचुरल टोपोग्राफी एंड एब्सेंस ऑफ ग्राउंड वाटर सीपेज कंपाउंड से अबव सिचुएशन। तो इन सारी चीज़ों से क्या हो जाता है, ये जो अर्बन फ्लड्स हैं ये एग्रीवेट हो जाते हैं। 2017 के जो फ्लड्स आए थे मुंबई में एंड 2020 में जो हैदराबाद फ्लड्स आए थे वो इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एंड कुछ रेगुलेटरी प्रोविजन हैं इसके लिए, जैसे एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है कि कहीं पे भी अगर हम कोई प्लांट लगा रहे होंगे, कोई कंपनी अगर कुछ काम करे इंस्टॉलेशन का कहीं पे, तो उनको देखना होगा एनवायरमेंटली वहाँ पे कितना डैमेज हो सकता है, एंड उसका एक प्रॉपर असेसमेंट किया जाता है, उसके बाद जो है वो परमिशन ग्रांट होती है, ठीक है। एंड जितना डैमेज होगा उतना ही उनको फिर किसी जगह पे ग्रीन कवर करना होगा, या किसी जगह पे एनवायरमेंटल फेवर्ड पॉलिसी जो है, या एनवायरमेंटल फेवर्ड इनिशिएटिव जो है वो लेने होंगे, ठीक है। तो ऐसे सारे प्रोविजंस हैं हमारे पास, पर वो कितने ही फॉलो होते हैं, करप्शन कितना है वो सब हमें पता ही है। एंड उसके बाद कुछ यहाँ पे स्कीम्स के नाम भी लिखे हुए हैं, ठीक है, यहाँ से देख लेना जो किसके लिए है, आपको किसके लिए लाए गए हैं, ताकि जो अर्बन एरियाज है वहाँ पे इन्वायरमेंटल ये सारे इशूज़ को टैकल कर सके। इशूज़ ऑफ अर्बन एज वेल एज रूरल गवर्नेंस जो है वो डाइवर्स है, बट द वन इशू विच इज इम्पैक्टिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, इज अफेक्टिंग द इन्वायरमेंट एंड इज ग्रोइंग इन प्रपोर्शन एक्सपोनेंशली इज द इशू ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है उसका भी बहुत बड़ा इशू जो है वो अर्बन एरियाज फेस कर रहे हैं। इंडिया जो है नाउ प्रोड्यूस अमाउंट ऑफ प्लास्टिक इतना ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, एंड आउट ऑफ मास प्लास्टिक मास एवरी ईयर विच इज मोर देन द वेट ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, इतना सारा प्लास्टिक यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, एंड इस प्लास्टिक में से लेस देन 30% वन इज रिसाइकल। उस जितना प्लास्टिक प्रोड्यूस होता है उसमें से लेस देन सिर्फ 30% रिसाइकल होता है, ठीक है, और बाकी कहाँ पे रह जाता है, हमारे एनवायरमेंट में। इफ़ यू कंटिन्यू योर हैबिट्स अनअमेंडेड, हमारे जो ओशंस हैं उनमें फिशेज से ज़्यादा प्लास्टिक होंगे बाई 2050, ऐसा बोला जाता है। एंड इसके लिए हमने इसको मिटिगेट करने के लिए स्वच्छ भारत अभियान जैसे प्रोग्राम चलाए हैं, लेकिन अभी तक खास उसका ऐसा कुछ रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिला है।
ठीक, सॉलिड वेस्ट प्रॉब्लम है, सॉलिड वेस्ट के साथ साथ लिक्विड वेस्ट जो है इक्वली ट्रिकी. अकॉर्डिंग टू 2005 रिपोर्ट टाइटल्ड स्टेटस ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट इन इंडिया बाय सीपीसीबी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सिर्फ 20% ऑफ सीवेज वाटर है वॉज ट्रीटेड इन इंडिया. जो सीवेज वाटर है कहाँ से आता है, ये आपके इंडस्ट्रीज वगैरह से आता है, ठीक है. जो लिक्विड वेस्ट होता है वहां का, वो कहाँ पे रिलीज हो जाता है, वो रिवर चैनल्स एंड एक्वीफायर्स में रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम कहाँ फेस करनी पड़ती है, ड्रिंकिंग वाटर में, ठीक है. क्योंकि जो पानी आप पीते हो उसमें से अगर वो इंडस्ट्रियल ट्रीटेड वाटर जो होगा, इंडस्ट्री का ट्रीटेड वाटर जाएगा, तो वो आपके लिए हेल्थ प्रॉब्लम जो है क्रिएट कर सकता है. तो मुरे पुगचिन ने लिखा था द मॉडर्न क्राइसिस, जिसमें इनने इस इशू को डिस्क्राइब किया हुआ है कि कैसे यहाँ पे जो वेस्ट वगैरह जनरेट होता है अनसस्टेनेबल रेट पे, कैसे वो डैमेजिंग है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है. 2021 में लिवेबिलिटी इंडेक्स ऑफ द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ द इकोनॉमिस्ट रैंक्ड न्यू दिल्ली एट 118 एंड मुंबई वॉज रैंक्ड एट 119 आउट ऑफ 140 सिटीज, ठीक है. तो जो राइजिंग अर्बनाइजेशन है इंडिया में, उससे क्या हमें जो लिविंग कंडीशन है वो बेटर नहीं मिल रही है. दैट मीन्स यहाँ से अर्बनाइजेशन तो बढ़ रही है लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव नहीं हो रहा है, ठीक. व्हाइट कॉलर क्राइम्स जो है वो भी बढ़ते हैं. व्हाइट कॉलर क्राइम्स होते हैं जो आपके नॉन वायलेंट क्राइम्स होते हैं, जैसे टैक्स इवेजन हो गया, ठीक है, जो इस तरीके के होते हैं बिजनेस या ट्रेड में. तो अर्बन एरियाज में इतनी सारी पॉपुलेशन जब बढ़ रही है, इतनी सारी पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए ऐसे सारे क्राइम्स भी सिटीज में बढ़ जाते हैं. इनइक्वालिटी हमें देखने को मिलती है अर्बन एरियाज में. सिचुएशन इन गीटोज, जहाँ पे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी एक स्लम लाइक एरिया में रहती है, उनको गीटोज बोलते हैं, ठीक है. तो डार्क कॉन्ट्रास्ट टू द सिचुएशन इन हाई राइज स्काई स्क्रेपर्स. इसके एग्जाम्पल आप मुंबई ले लो, जहाँ पे मुंबई में फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया उसको बोला जाता है, इतने अमीर लोग हैं. वहीं पे मुंबई में आपको धारावी स्लम देखने को मिलेंगे, जो एशिया का लार्जेस्ट स्लम है, ठीक है. तो ऐसी सिचुएशन एंड ऐसी सिचुएशन भी दोनों आपको इंडिया में देखने को आपको मिलेगी. इसका क्या मतलब होता है कि इनइक्वालिटी जो है इन अर्बन एरियाज में बहुत ज़्यादा हाई है, एंड सोशली भी आपस में बॉन्ड वगैरह उतना अच्छा खासा नहीं होता है, लोगों के बीच में खास बातचीत नहीं होती है, वही यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक. द हेटीरोजिनिटी ऑफ पॉपुलेशन स्पेशली इन मैटर्स ऑफ सोशल स्टेटस कास्ट रिलीजन इनकम ऑक्यूपेशन एटसेट्रा, इससे क्या हो जाता है पार्शल आइसोलेशन हो जाती है, अंडर विच एज के डाइज सेड इंटीग्रिटी ऑफ द पर्टिकुलर ग्रुप्स इज री इन्फोर्स बाय मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंस एंड अवॉइडेंस टुवर्ड्स अदर ग्रुप, ठीक है. तो क्या होता है, सारे लोग यही प्रेफर करते हैं सोशल डिस्टेंस एक दूसरे के साथ रखना एंड दूसरे ग्रुप को अवॉइड करना. तो ये सिचुएशन सिटीज में होती है कि आप एक दूसरे के साथ आपका कोई अच्छा कनेक्शन नहीं है, आप बैठते नहीं हो, बातचीत नहीं करते हो, सारे अपनी आइसोलेटेड लाइफ जो है वो जी रहे होते हैं. द प्रॉब्लम ऑफ माल एडजस्टमेंट, कि आप माल एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम कि आप ट्रस्ट नहीं करते हो, इसलिए आप एडजस्ट नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपका जो मिसट्रस्ट का लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई है. फाइन, आप किसी ने अगर खासकर अगर माइग्रेट किया है, वो रूरल से अर्बन एरिया में आया है, तो ना वो रूरल एरिया का रहता है ना वो अर्बन एरिया का रहता है, उसको मार्जिनल मैन कहते हैं. वो एक मार्जिनल मैन होकर रिड्यूस हो जाता है, कि वो किसी का भी नहीं रहता है, जहाँ से वो आया है ना वहाँ का, जहाँ का वो जहाँ वो रहने गया है ना वहाँ के लोगों में उसकी कोई एक्सेप्टेंस है. इस कॉन्सेप्ट को किसने डेवलप किया था, रॉबर्ट ई पार्क ने. अपार्ट फ्रॉम दीज कॉन्सिक्वेंस ऑफ अर्बनाइजेशन, इट इज ऑल्सो फाउंड दैट वेरियस फॉर्म्स ऑफ सोशल डिसऑर्गनाइजेशन आर एसोसिएटेड विद द रैपिड ग्रोथ ऑफ सिटीज. क्या सोशल डिसऑर्गनाइजेशन मिलते हैं, काफ़ी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, जो सोसाइटल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका ब्रेक हो रहा है. किन किन इंस्टीट्यूशंस का, फैमिली जो है वो ब्रेक हो रही है, डिवोर्स के रेट इंक्रीज हो रहे हैं, ट्रेडिशनल ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा है, ठीक है. जो किनशिप ऑब्लिगेशंस हमें पहले देखने को मिलती थी वो अब देखने को नहीं मिलते हैं. किनशिप उतना जो है वो डेवलप वेल डेवलप नहीं है जितना पहले हुआ करता था. एज अ स्किल्ड पॉपुलेशन मूव्स टू सिटीज और विलेजेस, दे आर ऑफन लेफ्ट विद नो लीडरशिप. माइग्रेशन से ये प्रॉब्लम भी होती है कि ऑल दो जो सारे स्किल्ड लोग हैं वो सिटीज आएंगे, ऑल दो वहाँ कुछ काम करेंगे, लेकिन विलेज एरियाज में क्या हो रहा है, इस वजह से वहाँ का जो स्किल सेट है वो बाहर जा रहा है, तो विलेज जो है वहाँ पे कोई लीडरशिप नहीं रह जाती है. ये जो सारी चेंजेस हैं कॉल फॉर द मैनेज ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया. न्यू ट्रेंड्स इन अर्बनाइजेशन आर नाउ विटनेस इन द फॉर्म ऑफ ग्रोथ ऑफ सब अर्बन एरियाज, सेटेलाइट सिटीज, मेगा सिटीज, डिके ऑफ इनर सिटीज, अर्बन रिन्यूअल एंड जेंट्रिफिकेशन ड्राइव. जेंट्रिफिकेशन ड्राइव होता है जैसे हम रूरल को अर्बन में कन्वर्ट करते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वैसे डेवलप करवाना, ठीक है. तो हमें अर्बनाइजेशन में भी अलग ट्रेंड देखने को मिलते हैं, आसपास के एरियाज को डेवलप करना, जैसे सब अर्बन एरियाज बनाना या सेटेलाइट सिटीज बनाना, ठीक है. ये सारा किसके अंडर आता है, अर्बनाइजेशन के अंडर ही. टू टैकल द इमर्जिंग इशू ऑफ अर्बनाइजेशन सेवरल पॉलिसी एंड लेजिस्लेटिव इनिशिएटिव्स हैव बीन टेकन, जैसे राजीव आवास योजना, प्रॉपर्टी राइट्स टू स्लम ड्वेलर्स एक्ट 2011, JNURM, अमृत एंड स्टार स्मार्ट सिटी मिशन. तो यहाँ पे कुछ स्कीम्स के नाम लिखे हैं जो इन इशू
इशू जो अभी तक हमने इशू डिस्कस किए अर्बनाइजेशन के अंडर उनको टैकल करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा लंबा टॉपिक था, यहाँ पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट में हम कोशिश करूंगी कि मैं नेक्स्ट दो वीडियोज में ये वाला चैप्टर कंप्लीट करूँ, ताकि जल्दी हम अपना पेपर भी कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो टिल द टाइम अपलोड न्यू वीडियो, बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।